नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज हम एक काफी सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों फोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, आप सभी को पता है। हम कोई भी फोन खरीदने जाते हैं, चाहे वो 10,000 रुपए का हो, चाहे वो 50,000 रुपए का हो, इवन 1,00,000 रुपए का आईफोन ही क्यों ना, हम उसमें ये जरूर चेक कर लेते हैं कि उस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है या नहीं, क्योंकि फोन को अनलॉक और लॉक करना, सबसे ज्यादा टाइम आप फोन को अनलॉक और लॉक करने का ही करते होंगे पूरे दिन में, और फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छे से आपका काम आसान कर देता है अगर उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्योंकि एक तो अनलॉक बहुत जल्दी हो जाता है सिर्फ उंगली लगाते ही, दूसरी चीज काफी सिक्योर है क्योंकि आपके अलावा कोई और उस फोन को नहीं खोल सकता। दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर की शुरुआत हुई थी 2011 में, मोटोरोला का एक फोन था एट्रिक्स, उसमें सबसे पहला फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें देखने को मिला था, लेकिन वहां से फिंगरप्रिंट स्कैनर पॉपुलर नहीं हुए। पॉपुलर हुए उसके 2 साल बाद जब आईफोन ने iPhone 5s में फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्ट करके दिया, मतलब इनबिल्ट करके दिया, तब से वहां से सारी कंपनियां उस फोन को फॉलो करने लगी और फिंगरप्रिंट देने लगी। अब आईफोन को मानो या ना मानो इंडस्ट्री फॉलो करती है, आपने देखा फिंगरप्रिंट स्कैनर को फॉलो करते हैं, उसके बाद नॉच आई सबसे पहले, और सबसे पहले आईफोन में नॉच नहीं आई थी, सबसे पहले आई थी नॉच एसेंशियल फोन में, छोटा सा कैमरा था बीच में। पूरी इंडस्ट्री ने एसेंशियल फोन को फॉलो नहीं करा बल्कि आईफोन को फॉलो करा, क्योंकि सबकी नॉच काफी लंबी थी, काफी वाइड थी, बिल्कुल आईफोन की तरह। अब यहां पे आईफोन ने पहल कर दी है iPhone 10 के साथ। हम सबको पता है iPhone 10 काफी अच्छा फोन है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर कहीं पर भी नहीं है पूरे फोन में, इसमें सिर्फ फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन दिया गया है जिससे आप अपने फोन को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब बाकी कंपनियों ने भी फेस अनलॉक को बहुत ज्यादा फीचर को फॉलो कर रहे हैं। अब ये फीचर एंड्रॉइड में अभी से तो नहीं है, बहुत टाइम पहले से है यार, जेलीबीन के टाइम से है, लेकिन तब पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर तब हुआ जब आईफोन ने इसे इनबिल्ट करके दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं मानो या ना मानो पूरी इंडस्ट्री आईफोन को फॉलो करती है, एप्पल की स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। तो एप्पल ने यहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर निकाल दिया है इसमें से। हेडफोन जैक जब एप्पल ने निकाला तो बहुत सी कंपनियों ने हेडफोन जैक भी निकाल दिया, इसी के साथ अब एप्पल ने फिंगरप्रिंट स्कैनर भी निकाल दिया अपने फोन में से। तो क्या सारी कंपनियां आप धीरे धीरे फिंगरप्रिंट स्कैनर निकालने लग जाएंगी? दोस्तों शुरुआत तो हो चुकी है, जैसे आप लोगों को पता है एप्पल में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। आईफोन 10 में एक बजट कैटेगरी का फोन है ओप्पो रियलमी 1, उसमें भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उसका फेस अनलॉक आईफोन 10 का फेस अनलॉक में जमीन आसमान का अंदर है। उस फोन का जो फेस अनलॉक है वो उतना अच्छा नहीं है, उतना कामयाब नहीं है, क्योंकि उस फोन का जो फेस अनलॉक है वो आपकी फोटो से भी अनलॉक हो जाता है। उस फोन का फेस अनलॉक सिक्योरिटी वाइज अच्छा नहीं है, वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक है, अगर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो बढ़िया रहता। दोस्तों मेरी अपनी ये ओपिनियन है इस मामले में कि बाकी कंपनियों को फिंगरप्रिंट स्कैनर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत एसेंशियल चीज है, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर अब हम बहुत चीजों में यूज कर रहे हैं। डायरेक्टली अपनी बैंकिंग एप्लीकेशंस में हमने फिंगरप्रिंट स्कैनर को डाल देते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, इवन पैसे देके खरीदते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, तो वहां पे भी हम फिंगरप्रिंट स्कैनर डाल देते हैं। तो फिंगरप्रिंट आईडी बहुत एसेंशियल हो गई है, हम अपने फोन से ही कई चीजों में फिंगरप्रिंट स्कैनर अपने फोन से ही रजिस्टर कर सकते हैं अपनी फिंगर को। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर देना चाहिए, एक एसेंशियल चीज है। मुझे पता है बहुत सी फोन्स ऐसे आने वाले हैं मार्केट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ फेस आईडी ही होगी, आगे चल के फिंगरप्रिंट स्कैनर शायद ना भी हो, क्योंकि सब लोग एप्पल को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले इतने एग्जांपल्स दे ही दिए इस वीडियो में। तो इसी तरीके से होपफुली आप लोगों को और एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, ये तो सिर्फ एक छोटा ओप्पो रियलमी 1 का एग्जांपल था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं निकालना चाहिए, बाकी ब्रांड्स को कंपनीज को फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं निकालना चाहिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करता है और आगे अभी और स्कोप है फिंगरप्रिंट स्कैनर में। जैसे आप लोगों को पता है वीवो ने फिंगरप्रिंट स्कैनर को अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर बना दिया है, मतलब पहले आते थे सबसे पहले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिर आने लगे कैपेसिटिव जो एप्पल ने इंट्रोड्यूस करा था iPhone 5s में, और अब आने लगे हैं अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि सिनेप्टिक्स ने बनाया है, यूज वीवो कर रही है, और भी कंपनियां धीरे धीरे इसी स्ट्रैटेजी पे यूज करेंगी और इसी टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट करेंगी अपने फोन में। तो कहीं पर भी दें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो स्क्रीन के अंदर दें, फोन के पीछे दें, फोन के पावर बटन में दें या फोन के होम बटन में दें, कहीं पर भी आप फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज दो फिंगरप्रिंट स्कैनर, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत एसेंशियल है। इवन अगर आप फेस आईडी भी नहीं दोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, बट फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत एसेंशियल है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कुछ नए टॉपिक पर हमने आज बात करी है तो काफी इंजॉयमेंट हुआ होगा आप लोगों का। तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अलग हटके थोड़े टॉपिक्स लाने की कोशिश करता रहता हूं, और सच में गाइस इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज सपोर्ट करो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं एक और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय बाय।